While addressing a public rally in Wayanad, Congress President Mallikarjun Kharge took a swipe at the BJP, saying that BJP has illegally collected rupees 13,000 crores in donation through the illegal electoral bonds. Kharge also challenged PM Modi to expel all those who are claiming to change the constitution if they get two-third majority. During his address, Kharge mentioned that if Congress India alliance government comes to power at the centre, it will continue a diversity commission that will monitor and promote diversity and private employment and education. My colleague Aditya Kumar joins us on the broadcast to give us more details on this. Aditya, what exactly has Mallikarjun Kharge said while slamming the Bharatiya Janata party? जी, वायनाड में जब ये अपने एक रैली को संबोधित कर रहे थे तो वहाँ पर जो मल्लिकार्जुन खड़गे ने जो पब्लिक थी उनको संबोधित करते हुए कहा कि हमारे पास में चुनाव लड़ने के लिए भी दिक्कत कर रहे हैं, क्योंकि भारत सरकार यानी जो भाजपा सरकार है वो हमारे बैंक अकाउंट्स को सीज कर रही है, लेकिन हमारे लिए दिक्कतें पैदा करने की कोशिश की जा रही है। हमसे पूछा जा रहा है कि हमने 70 सालों में क्या किया, कांग्रेस ने 70 सालों में ये किया, उसी वजह से जो है प्रधानमंत्री आज नरेंद्र मोदी जो है आज प्रधानमंत्री बन पाए हैं और हमने जो है संविधान की रक्षा की थी, ये पूरा उनका कहना था। साथ ही साथ उन्होंने आरोप लगाया बीजेपी के ऊपर में कि जो 13,000 करोड़ का जो इलीगल डोनेशन है जो इलेक्ट्रल बॉन्ड के माध्यम से उन्होंने लिया, ये सब जो आरोप उन्होंने बहुत ही सख्ती से लगाया उनके ऊपर, बहुत ही बड़े, इसके अलावा भी बहुत बड़े आरोप लगाए। उन्होंने कहा कि हमें चुनाव लड़ने से रोका जा रहा है, हमें चुनाव लड़ने के लिए जो पैसे की जरूरत पड़ती है वो हमारे पास में नहीं है। ये भी कहा उन्होंने कि आप जो अपने वादों की बात करते हैं, कि नरेंद्र मोदी की गारंटी की बात करते हैं, तो गारंटी के ऊपर में आपने जो वादे की थी रोजगार को लेकर के 15 लाख रुपए जो अकाउंट में आने की बात कही थी, तो वो आपने वादे पूरा किए। ये जो पूरा का पूरा बात है ये चुनाव से पहले ये वहाँ पे वायनाड में किया गया था। वायनाड से ही राहुल गांधी चुनाव लड़ रहे थे, इसलिए ये जरूरी भी है वहाँ पर इस तरीके की सभा में जो है इस तरीके की बातें करना। कांग्रेस साउथ में ज्यादा फोकस कर रही है और कोशिश कर रही है कि इस तरीके से साउथ में ज्यादा से ज्यादा सीट ले आ पाए, और जो नॉर्थ में जो सीट का नुकसान उनका हो रहा है उसका जो भरपाई है वो साउथ को हो पाएगी। फॉर मोर सच वीडियोज सब्सक्राइब टू द न्यूज़ एक्स YouTube चैनल, हिट द बेल आइकन।